प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ ने प्रशासन और सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। जाहिर है इसकी चपेट में आने वाले लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन भी इन इलाकों में मदद के लिए सक्रिय हो रहा है, लेकिन राहत पहुंचने में वक्त लग रहा है। शारदा, राप्ती, गंगा, सरयू, ये सभी उन नदियों का नाम है जिनके किनारे जिंदगी बसर करने वाले लोग आज खौफ में हैं। ये तादाद लाखों में पहुंच गई है क्योंकि हजारों गांव बाढ़ की बेबसी झेलने को मजबूर हैं। सबसे पहले बलिया की इन तस्वीरों को देखिए, यहां लाखों रुपए पानी में डूब चुके हैं। सरयू के पानी ने यहां शानदार घरों और गाड़ियों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। हालात ये हैं कि लोग पानी में जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए हैं। जिले के 34 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांवों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुमकिन होगा इसका भरोसा गांवों के लोगों को नहीं है। वहीं डीएम साहब भी मानते हैं कि चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। घाघरा यानी सरयू नदी का जल स्तर बहुत बड़ा हुआ है, खतरे से एक महीने पहले से बढ़ गया है। अब इसका अप्रोच जो है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल की तरफ हो रहा है लगातार, और इस कारण हमारी चार तहसीलें बेलथरा, सिकंदरपुर, बांसडी और बैरिया ये बुरी तरीके से प्रभावित हैं। कुछ यही हाल है मऊ जिले का भी, जहां बाढ़ इलाके के लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। पूर्वांचल में सिर्फ बलिया और मऊ ही नहीं बल्कि गोरखपुर जैसे जिले भी पानी की तबाही झेलने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के जिले में बाढ़ की त्रासदी का आलम यह है कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। यहां की बेबसी का मंजर ऐसे समझा जा सकता है कि रास्ता टटोल कर या अंदाजे के मुताबिक पार किया जा रहा है। काम हो ही नहीं रहा तो बांध कटेगा नहीं, काम शुरू रहे तो कैसे बांध कटे। और कट गया, बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ अपना नुकसान हुआ, क्या बताऊँ आगे क्या क्या दिक्कत हो गया। आगे दिक्कत क्या है, दिक्कत है बांध कट गया सब, बहुत नुकसान हो, खेती पाती सब नुकसान हो गया, सब भैंस बढ़िया से अपन अपन जान बचावे का आफत है। यहाँ से लगभग सारे लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और यहाँ प्रशासन की वजह से कुछ यहाँ सुविधा भी नहीं मिल रहा है। जो आ रहा सुविधा वहाँ आधे रास्ते में ही टूट लेके जा रहे हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा सुविधा कोई। गोरखपुर से आगे बढ़ने पर गोंडा के हाल भी बहुत जुदा नजर नहीं आते। यहाँ सरयू की तबाही ने लोगों को न केवल डरा रखा है बल्कि उन्हें ऊंचे ठिकानों तक जाने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ के इलाकों का राज्य मंत्री अनिल राजभर ने हवाई दौरा किया, हाल जानने की कोशिश की, लेकिन लोगों को लगता है कि उससे उनके मसले का हल नहीं निकलने वाला है। वैसे राज्य मंत्री अनिल राजभर ने सिर्फ गोंडा का नहीं बल्कि देवरिया और गोरखपुर का भी दौरा किया, यहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों की जानकारी ली है। आज ये चार जनपदों में जो बाढ़ की समस्या है उससे संबंधित जो राहत कार्य चल रहे हैं उसकी समस्या उसके समीक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ प्रदेश के दूसरे जिलों उन्नाव, लखीमपुर खीरी जैसे इलाके भी बाढ़ की चपेट में पूरी तरह घिरे हैं। जाहिर है अब सरकार सक्रिय हुई है तो माना जा सकता है कुछ मुश्किलें कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।